इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ब्लैंक पेज आप कैसे ऐड कर सकते हो। तीन ऐसे तरीके से मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ब्लैंक पेज ऐड करने का। तो वीडियो आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में जो भी मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा वो सारे स्टेप्स ध्यान से देखना, बिना किसी पार्ट को स्किप किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके पास किसी भी वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यहाँ पे ये मेथड सारे वर्जन में वर्क करेगा। तो सिंपली अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है, उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट को चूज करना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप MS Word को ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट सिंगल ब्लैंक पेज मिलता है। तो सबसे पहला मेथड जो है ब्लैंक पेज को ऐड करने का, कंट्रोल प्लस इंटर की आपको प्रेस करना है। तो जैसे ही आप ये की प्रेस करोगे तो आपका जो अगला ब्लैंक पेज होगा वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंट्रोल प्लस इंटर की को प्रेस करके जितना भी ब्लैंक पेज को ऐड करना है यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो ये था पहला मेथड। अब मैं आपको दूसरा मेथड बता देता हूँ ब्लैंक पेज को ऐड करने का। सिंपली आपको टॉप में यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टॉप में ही एक ऑप्शन दिखेगा ब्लैंक पेज का। तो सिंपली ब्लैंक पेज ऐड करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करते जाओगे तो आपका ब्लैंक पेज जो होगा वो ऐड होता जाएगा। तो यहाँ से भी आप शॉर्टकट करके ब्लैंक पेज को ऐड कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे आपको करना क्या है, ब्लैंक पेज को ऐड करने के लिए इंसर्ट में आना है और यहाँ पे आपको ब्लैंक पेज ऐड करने का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करके ब्लैंक पेज को ऐड कर सकते हो। तो ये था दूसरा मेथड ब्लैंक पेज को ऐड करने का। अब मैं आपको तीसरा मेथड बता देता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको इंटर की को प्रेस करते रहना है। उसके बाद आपका जो ब्लैंक पेज होगा वो ऐड होता जाएगा। इस तरीके से आपको इंटर की को प्रेस करते रहना है। आप जितना मर्जी चाहो ब्लैंक पेज को ऐड करने का, सिंपली आपको इंटर की को प्रेस करते रहना है और जो ब्लैंक पेज होगा वो ऐड होता जाएगा। तो इस तरीके से आप इंटर की को प्रेस करते हुए ब्लैंक पेज को ऐड कर सकते हो। अब अगर आपको लगता है कि अननेसेसरी ब्लैंक पेज अगर आपने ऐड कर लिया है तो इसे डिलीट करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको एक व्यू का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक नेविगेशन पेन का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आपको इसे चेक करना है, फिर यहाँ पे आपको पेजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके प्रोजेक्ट में जितना भी पेज होगा यहाँ पे वो सारा शो कर जाएगा। तो सिंपली जिस भी पेज को आपको डिलीट करना है उसे सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको बैक स्पेस की को प्रेस करना है डिलीट करने के लिए। तो आपका जो पेज होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पेज को डिलीट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ब्लैंक पेज ऐड करने का। और आपको इन तीनों मेथडों में से आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो सिंपली आप ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, सिंपली आप लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो में कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर इस वीडियो के अलावा अगर आपके पास कोई क्वेरीज को डाउट है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।